नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एंड्रू स्ट्रॉस और जेफरी बॉयकॉट को नाइट आउट से सम्मानित किया जाएगा। जी हां, सोमवार को इन दोनों खिलाड़ियों को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऐसे में जो ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने दी ऑनर लिस्ट के तहत इन दोनों खिलाड़ियों को नाइट आउट सम्मान देने का ऐलान किया है। बता दें, एंड्रू स्ट्रॉस ने 2004 से लेकर 2012 तक इंग्लैंड क्रिकेट की सेवा की और इस दौरान उन्होंने कम से कम 7000 के करीब टेस्ट रन बनाए थे। तो वहीं 2009 और 2011 में जब इंग्लैंड एशेज टेस्ट सीरीज का विजेता बना था, तो उस दौरान इंग्लैंड के जो कप्तान थे वो एंड्रू स्ट्रॉस ही थे। उनकी कप्तानी में ही इंग्लैंड ने वो एशेज सीरीज जीती थी। तो वहीं बात करें जेफरी बॉयकॉट के बारे में, तो उनका नाम इंग्लैंड के बेहतरीन ओपनरों में शुमार है। उस दौरान जब 1982 और 1964 के जो बीच का समय था, उस समय इंग्लैंड के ये ओपनर जो बॉयकॉट हैं, इनका बल्ला बखूबी बोलता था और कई ऐसे मैचेस थे जो इन्होंने इंग्लैंड को जिताए थे। इस दौरान उन्होंने 8000 से करीब जो रन थे वो बनाए थे और ऐसे में इतना बड़ा सम्मान इनको मिलना वाकई काबिले तारीफ़ है। तो वहीं बता दें कि जब 2015 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जो वर्ल्ड कप की हालत थी वो काफ़ी पतली हो गई थी, तो सभी लोग एन मॉर्गन पर निशाना साध रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर एंड्रू स्ट्रॉस ही वो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एन मॉर्गन की वकालत की और उनका पक्ष रखा। तो ऐसे में जो 2019 में जब एक बार फिर से एन मॉर्गन अपनी टीम के साथ इंग्लैंड में विश्व कप खेलने के लिए तैयार हुए, तो अब नतीजा सबके सामने था कि इंग्लैंड 2019 का विजेता बना। हालांकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी सीरीज जारी है जिसमें इंग्लैंड बिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन दो बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के स्ट्रॉस और बॉयकॉट के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।